जैन साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बात करेंगे उन सारे बच्चों के लिए जो 21,391 का तैयारी कर रहे थे और बीच में अपना बोरिया बिस्तर क्लोज करके और कोहबर में बैठ चुके हैं। कोहबर में बैठने का मतलब कि अब उनको बिल्कुल लग रहा है कि मेरे घर पे नियुक्ति पत्र जाएगा और मैं उसी नियुक्ति पत्र के ऊपर ज्वाइनिंग कर लूँगा। मैं इस पर कटअप भी बताऊँगा आज बच्चों आपको कि आप किस लेवल पे अपना एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं और क्या आपका अभी भी स्कोर आ रहा है और कितना स्कोर कर रहे हैं। और ये जो अभी आप एक मैं बुक दिखाऊँगा, ये हमारा एक स्पेशल बुक है केवल और केवल बिहार पुलिस के। ये जो बुक आपको दिख रहा है, इस बुक में इतने सारे मटेरियल भरे हुए हैं हम लोगों ने। लगभग इस बुक के माध्यम से हम लोग 1800 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं जो बिहार पुलिस में 60+ मतलब लगभग 62 या 64 क्वेश्चन इसी से पूछेगा। और 1 तारीख का पहला सीटिंग का आप मिला सकते हैं, हम लोगों ने मिलाया भी है बैठ के, 62 क्वेश्चन इसमें से टच किया। यानी कि अगर आपका बिहार पुलिस का सपना है तो आइए हम आपके सपने को साकार करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे कैसे रणनीति अपनाना है उस रणनीति के तहत काम करेंगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लास आज की डेट में सारे के सारे लोग बंद कर चुके हैं, लेकिन मेरा ही एक संस्था है जहाँ पे आज भी बिहार पुलिस का ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, बिहार पुलिस फोकस। इसलिए कि लगभग हमारे पास 4,500-5,500 बच्चे हैं, उन 4,500-5,500 बच्चों में से अगर रिजल्ट सबका आ जाता है तो हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं, देखिए छठ, दशहरा, दीपावली एक पर्व है, हिंदू का पर्व है, आप मनाइए, आप शौक से मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन एक लिमिट में रह के बेटा। नहीं तो आपको लगता होगा कि दशहरा से 5 दिन पहले घर जाना है और 10 दिन दशहरा मनाना है और 5 दिन फिर बॉडी थक गया है, 5 दिन और आराम करना है, तब तक आगे दीपावली आ जाएगा, दीपावली में भी 10 दिन दीपावली मनाना है, फिर छठ आ जाएगा, छठ में भी 22 दिन छठ मनाना है, तब तक बेटा मेरे, बेटी मेरे, समय खत्म हो चुका है। और बाजी वही मारेगा जो बाजीगर होगा, बाजी वही मारेगा जो बाज होगा, बाजी वही मारेगा जो रणनीतिकार होगा, बाजी वही मारेगा जो संयम से काम करेगा। मेहनत और पेशेंस बहुत ही अहम जरूरी है मेरे बच्चों। मेरे बुक से 1800 क्वेश्चन जो हम लोगों ने तैयार किया अभी, इसको हम रटाएंगे। मेरे पास आइए 50 बच्चे, अगर आपको लगता है कि मैं हिम्मती हूँ, मैं रिटेन में अच्छा हूँ, आप आइए मेरे पास टेस्ट दीजिए और उन 50 बच्चों को गारंटी के साथ, अगर आप नहीं कर पाए, अगर आपका फिजिकल नहीं निकल पाया, तो आपका पूरा का पूरा जो आप मुझे पैसा दीजिएगा हम वापस कर देंगे। ये गारंटी बैच चला रहा हूँ। दशहरा मेरे लिए भी, मेरे प्यारे बच्चों, दशहरा मैं भी मनाता हूँ और खूब खुशी खुशी मनाता हूँ। दशहरा में 2 ही दिन होता है, नवमी और दसवीं 2 ही दिन दशहरा को दशहरा बोला जाता है, बाकी दिन तो आप व्रत किए हैं, फास्ट किए हैं तो मान सकते हैं। हम किसी देवी देवता के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम भी एक भगवान को पूजा करते हैं, हम भी श्रद्धा रखते हैं, हम भी पूजा अर्चना करते हैं, हम भी श्रद्धा रखते हैं, तो क्या उस श्रद्धा के लिए, उस पूजा के लिए लोग बाहर से पटना घूमने आते हैं? और मैं देख रहा हूँ कि पटना से लोग गांव जा रहे हैं। पटना में रहिए, पढ़िए, दौड़िए, दोनों काम। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बहुत ही जल्दी घोषणा होने वाला है। अहम मीटिंग कल भी चला है, आज भी चलेगा और एक समय निकल के आएगा, एक आदेश लिया जाएगा DM लोगों से कि आपके यहाँ सेंटर कब खाली है, उस खाली सेंटरों को बताइए। और इतना जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा ना मेरे प्यारे बच्चों,
कि आप सोच के ये चीज़ बोलिए, जैसे कि अभी 64 वाले बच्चे क्या बोल रहे थे, तो एक्साइज दरोगा वाले, कि समय नहीं दिया। तो कल जो हमारी बच्ची क्वालिफाई होके आई थी, आप देख सकते हैं उसने क्या बोला है। तो चेयरमैन साहब ने एक ही चीज़ बोला कि आप गलतफहमी में हो बच्चों, कि आपको मैंने 21 दिन समय दिया, आपको मैंने 6 महीना समय दिया। जो नोटिफिकेशन निकला था, जो नोटिस निकला था, उस नोटिफिकेशन के ऊपर बकायदा लिखा हुआ था कि आपको पीटी, आपको मेंस, आपको पीईटी के लिए क्या तैयारी करना है। तो उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ दिया था। तो इसी मेरे प्यारे बच्चों, कटअप को मैं बताऊंगा, वीडियो में पूरा बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। जो डेट निकल के आ रहा है, जो डेट निकल के आएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नौकरी उसी का लगेगा जो डबल मेहनत करेगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम दिन भर 24 घंटा में से 24 घंटा दौड़िए, नहीं, दो घंटा आप दिल लगा के दौड़िए, फिर 2 घंटा आप रिकवरी लीजिए, फिर आप 8 घंटा, 7 से 8 घंटा केवल बिहार पुलिस के इन मेरे सेटों को रगड़ जाइए। हम दोस्त एक सेट और ले आएंगे लास्ट के समय में, जिस सेट में 2000 क्वेश्चन होगा, यानी कि इन सारे इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पूरा का पूरा बिहार पुलिस आएगा, क्योंकि निचोड़ हम निकालना है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं? क्या आपका ड्रीम है, बिहार पुलिस ड्रीम है? तो आइए, हमारी संस्था केवल 50 बच्चों को रखेगी और हम ये दिखाएंगे कि उन 50 बच्चों में से कैसे हम लोगों ने रिटर्न भी निकलवाया है, और गारंटी के साथ मैं बोला हूँ, फुली गारंटी, उन 50 बच्चों का हमने रिटर्न भी निकलवाया और उन 50 बच्चों का हमने फिजिकल भी निकलवाया। ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं चैलेंज लेता हूँ। क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपका ड्रीम है बिहार पुलिस? क्या आपका 21,391 में सपना है जाने का, लड़का हो चाहे लड़की? केवल 50 से ऊपर हम रखेंगे ही नहीं। अगर आपका ड्रीम है, मैं यस कर सकता हूँ, मैं करूँगा सर, मुझे हाई जंप नहीं आता, हाई जंप सिखाइए, मुझे शॉर्ट पुट्स नहीं आता, मुझे शॉर्ट पुट्स सिखाइए, मुझे रनिंग नहीं आता, मेरा वेट ज़्यादा है, मैं वेट कम करके दिखाऊंगा। ओपन चैलेंज है कि मैं आपका 1 महीने में 8 से 10 किलो वेट कम करके दिखाऊंगा, लेकिन आप कीजिएगा तब। तो चलिए, हम कटअप की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एग्ज़ाम डेट का भी बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट कम निकल के आने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं और 62 का स्कोर अभी भी आप कर पा रहे हैं, और मेरा सेट पढ़िए, आप नहीं 70 का स्कोर करने लगेगा तो बोलिएगा, सर मैंने आपका सेट पूरा याद भी कर गया और मैं 70 स्कोर नहीं हो रहा है, तो मेरा आप नाम बदल दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 60 और 62 का अगर स्कोर आप कर पा रहे हैं, SC और ST कैटेगरी से हैं, तो आपका रिटर्न निकलना 100% तय है और आप फिजिकल पर लग जाइए। फिजिकल में समय नहीं मिलने वाला, जैसे मद निषेध 689 के साथ हुआ था, जैसे मद निषेध दरोगा के साथ हुआ, वैसे आपके साथ भी होने वाला है। और आप उस समय रोइएगा, गाइएगा कि मेरा किस्मत साथ नहीं, किस्मत आपके साथ है, बस मेहनत आप नहीं करना चाहते। कोई भी टीचर आपसे क्या कमाएगा, आप कितना पैसा दीजिएगा उसको? 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप रहिएगा तो उसको करोड़पति तो नहीं बनाइएगा, लेकिन वो आपका भविष्य का निर्माण कर देगा। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन में नहीं बने थे, चाणक्य के पास उन्होंने अपना समय दिया था, तब जाके वो सम्राट कहलाए थे, तब उन्होंने भारत को विस्तार किया। तो आप क्या चाहते हैं कि हम एक दिन बन जाए? नहीं बन पाएगा। अगर आप EBC और EWS कैटेगरी से हैं, 64 का स्कोर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका रिजल्ट में रिटर्न बनना तय है, क्योंकि यही एक स्कोर है पढ़ने वाले बच्चों का, इससे ऊपर स्कोर कोई नहीं कर पाया। मैं भी देखा हूँ फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे थे क्या स्कोर करके आए थे। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी OBC से हैं तो 68 का स्कोर कर 66 का प्लस स्कोर कर रहे हैं, आपका रिटर्न में रिजल्ट निकला तय है। अगर आप जनरल से हैं और 70 स्कोर कर रहे हैं, अदर स्टेट से हैं 70 स्कोर कर रहे हैं, आपका रिटर्न में रिजल्ट बनना तय है। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, एक टाइम कीजिए, लेकिन दिल खोल के कीजिए, मेहनत कीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लगभग अभी विगत दिनों में लगभग 80 से 90 बच्चे आए थे, जहां मैं लिस्ट कल देख रहा था और मुझे भी अफसोस हो रहा था। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन रह के भाग जा रहे थे। उनको लगता है कि मैं 1 हफ्ता 15 दिन में उनको मिल्खा सिंह बना दूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको लगता है 50 बच्चे
और वो भी एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के अंदर मैं ये क्लोज कर दूंगा। और एक हफ्ते के अंदर अगर आप आइएगा तो आपका रिटेन आपका फिजिकल की फुली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर जो आप मेरा सेट रगड़ जाइएगा, डेली आपसे सुनूंगा भी, जो आपको टास्क दूंगा उसको सुनूंगा, अगर आप उसमें नहीं बता पाइएगा तो उसको आप पीटूंगा भी। तो अगर आपको लगता है कि यस मैं बिहार पुलिस का नौकरी लूंगा, 100% लूंगा, आइए मेरे पास छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, मेरे पास आपको डंडा से डंडा भी उपलब्ध है, जो आपको फिजिकल नहीं कीजिएगा, रिटर्न नहीं कीजिएगा तो डंडा से भी सेवा करूंगा, क्लास भी सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, सेट प्रैक्टिस सारी सुविधा उपलब्ध है। लड़कियां हैं अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आ रही है, 50 स्कोर कर रही है, आप फिजिकल में लगे रहिए, लगे बुरी तरह से लग जाइए, करैया मजबूत करके लगी है कि मैं लगी हूँ तो लगी हूँ, एकदम लगे कि मैं गिर दौड़ते दौड़ते गिर गया एकदम, सुबह में इतना वर्कआउट कीजिए तभी आपको बिहार पुलिस में नौकरी लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं, 50 स्कोर कीजिए आपका नौकरी हो जाएगा, 8485 तो आपका वैकेंसी है। बच्चियाँ लड़कियाँ आपका 8485 तो आपका वैकेंसी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर 52-53 स्कोर कर रही हैं ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से हैं तो आपका नौकरी तय है, अगर 54-55 स्कोर कर रही है तो ओबीसी में रिजल्ट तय है आपका, अगर 60+ स्कोर कर रही है तो जनरल किसी भी स्टेट से आपका नौकरी तय है। 8485 तो लड़कियाँ आएंगी इसमें भैया, आप इतना भी स्कोर नहीं कर रही हैं तो आइए हम सेट देंगे, आप सेट को पढ़ाएंगे, सेट का टेस्ट लेंगे, हर संडे के दिन टेस्ट होगा आपका, और नहीं तो डंडा भी बजेगा। और आपका हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा आपका स्कोर उतना आएगा ही तो आएगा, आएगा तो आएगा। बस यही 1-2 महीने की खेल है मेरे दोस्तों, इसी में आपका सपना साकार हो जाएगा। अभी आप दशहरा दीपावली छठ मत मनाइए, इस साल छोड़ दीजिए, घोर लागिए, इसी पटना में रह के छठ दीपावली दशहरा मना लीजिए, और आप मेहनत कीजिए, घर द्वार त्याग दीजिए, इस 2 महीने में पागल बन जाइए, किसी से बात नहीं, किसी से वो मोबाइल छोड़ दीजिए, अगर ऑनलाइन क्लास है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल एकदम छोड़ दीजिए, और करके देखिए 2 महीने, और मेरा साथ दे के देखिए 2 महीने। मैंने आपके शरीर पर वर्दी नहीं चढ़ा दिया तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा, ये गारंटी पे चला रहा हूँ, गारंटी 100% गारंटी। आगे जो बिहार पुलिस का आगे आएगा उसके लिए 1000 बच्चों को हम रखेंगे, हॉस्टल में ही रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे दौड़ाएंगे, सारा काम वहीं पर करेंगे। आगे का प्लान हम कर रहे हैं अगली वैकेंसी का, अभी वैकेंसी में थोड़ा टाइम बहुत कम है इसलिए इसके लिए हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50 बच्चों का गारंटी के साथ बोला हूँ, आइए आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी वर्दी दिला के दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता सबसे अच्छा हॉस्टल की सुविधा हम लोग रखे हुए हैं, आप आइए मिलिए। हाँ, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद हम ये क्लोज कर देंगे, एडमिशन लेना बंद कर देंगे। उन 50 बच्चों का मुझे रिक्वायरमेंट है जो चाहते हैं कि नहीं मैं बार बार छटा हूँ, मैं बार बार छटा हूँ, तो आइए मैं आपका रिटेन और फिजिकल दोनों निकलवा के दिखाऊंगा, आप आइए गारंटी के साथ। आप कहीं भी रहिएगा तो 4-4.5 हज़ार रुपये आपको खर्चा लगेगा ही लगेगा, तो क्या वहाँ गारंटी मिल रहा है? लेकिन मेरे पास आपको गारंटी के साथ कराऊंगा, फुली गारंटी। तो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, मैं कट ऑफ लिस्ट बना दिया, इतना स्कोर कर रहे हैं, हाँ फिजिकल में स्कोर बहुत हाई जाएगा, लो भी नहीं जाएगा, 72 नंबर। आप लोग सोचते होंगे 72 नंबर आसान है, बाबू जो 5-20 डाउन का धावक होगा, 5-20 तक पहुंचेगा, उसी का 72 नंबर बनेगा, नहीं तो 72 नंबर उठाने के लिए आप सोचेगा कि 5:39 या 5:35 मार के 72 उठा लेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं उठा पाइएगा। 15 सेकंड का टाइमिंग चढ़ता है, किसी मदनी सेठ में टाइमिंग चढ़ गया, मदनी सेठ 689 में भी चढ़ा, मदनी सेठ दरोगा का 64 में भी चढ़ गया, तो बालू हो या कुछ भी हो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना जी, तो 10 से 15 सेकंड टाइमिंग चढ़ता है। मैं दरोगा के अभ्यर्थी को बता रहा था तो बोले नहीं यहाँ तो 6:45 लग रहा है, वहाँ तो 6:30 लग जाएगा, वहाँ लगता घटता नहीं, वहाँ बढ़ता है, आपका दिमाग थोड़ा सा शांत वो कर लीजिएगा कि वहाँ टाइमिंग बढ़ता है, 10 सेकंड से 15 सेकंड टाइमिंग बढ़ता है, वहाँ घटता नहीं है। अगर तैयारी करना है मन से तो आइए हम आपका तैयारी फुली रूप से कराएंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे थे, आज और कल मीटिंग, कल भी हुआ था, आज भी मीटिंग हो रहा है, आज शाम तक कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा, बैठक जारी है, जितने लोग जलसाजी में पकड़े गए थे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपका एग्ज़ाम डेट मुझे जो अनुमानता लग रहा है कि नवंबर के लास्ट में, हर हाल में, क्योंकि नवंबर के लास्ट में कहीं एग्ज़ाम नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, कहीं सारे के सारे सीट खाए और सेंटर खाली हैं, तो नवंबर के लास्ट यानी कि 19 नवंबर के बाद कभी भी। और हाँ, ये भी ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जो ये नई
हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इसके ऊपर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ का, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको छूट दिया जाएगा, जहाँ तक अंदेशा लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधा सीधा सीएसबीसी के ऊपर सौंप दिया है कि आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ में छूट दे सकते हैं और नहीं तो आपकी मर्जी है। तो सीएसबीसी अब दोबारा लगता है, मुझे नहीं लगता है कि सीएसबीसी दोबारा कोई उसमें बटन डालेंगे, क्योंकि उनका काम बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है, हाई कोर्ट ने भी ये आदेश नहीं दिया है कि आप कीजिए, आप डेट एज में छूट दीजिए, उन्होंने बोला कि आप दे सकते हैं और दीजिए में अंतर होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो शायद मुझे लगता है कि डेट ऑफ बर्थ में कोई तरह का छूट नहीं मिलेगा। हाँ, उन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है जिनका नया एज है, बिल्कुल खून में उबाल है, वो 18-20 से नीचे हैं, 18-20-25 के नीचे वाले, 25 के नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं, आपके लिए समय है, आप दौड़ बना सकते हैं, आप दौड़ बनाइए और नौकरी लीजिए। चोरी नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा, आप भरोसे बैठे होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपकी पूर्ण रूप से आप गलतफहमी जा रहे हो। ये बचा हुआ है, जिसे नवंबर में मान लीजिए लास्ट में एग्जाम होगा, तो अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना बचा हुआ है, 1 महीना मान लीजिए बचा हुआ है, इस 1 महीने में आप सेट रट जाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, आइए भूली गारंटी के साथ आपका हम जॉब दिला के दिखाएंगे। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पक्का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, अपना उपस्थिति जाहिर कीजिएगा और बताइएगा कि आप वीडियो किसके लिए और चाहते हैं। तो एक छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है वर्दी, आइए हम आपको गारंटी के साथ, बोलो गारंटी के साथ, फुली गारंटी, नॉन गारंटी नहीं, फुली गारंटी के साथ। और मेरे दौड़ को करने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो टिकते हैं, उनकी नौकरी होती है। हमारे पास एक ही नारा है, जो टिक गया सो पिक गया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।